गुड मॉर्निंग क्लास, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। और मैं वेद मिश्रा आज आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल में एडवांस एक्सेल के अंदर कैसे हम फ्लैश फिल का यूज करते हैं, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है वहाँ फ्लैश फिल का बहुत ज़्यादा यूजमेंट हो रहा है। और आपको बताना चाहूंगा, एमएस एक्सेल को हमने खोल रखा है, एमएस एक्सेल की शीट खोल रखी है हमने एक। इसमें हमने कई सारे जो नेम्स हैं लिख रखे हैं उनके सरनेम्स के साथ में। और फ्लैश विल की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल ई। क्या होती है? कंट्रोल ई। 2013 एमएस ऑफिस से पहले फ्लैश विल का यूज नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे करके जैसे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे फ्लैश विल का यूज की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि हमें कुछ नेम्स में से, कुछ मिक्सअप में से कुछ अलग अलग निकालना होता है। जैसे कि मान लेते हैं अखिल शर्मा में से मेरे को अखिल नाम यानी फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं अखिल लिखता हूँ। लिखा मैंने, अब मेरे को बाकी सारे लिखने डाटास का पहला फर्स्ट नेम चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हर चीज में टाइप तो करूंगा नहीं, इसके लिए यहीं पर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ई। क्या करूंगा? कंट्रोल ई। तो देखिए सारे नाम अपने आप आ चुके हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, फ्लैश विल के अंदर जब आपको कोई चीज फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो भी निकालना है किसी फॉर्मेट में, तो उसमें आपका गैप नहीं होना चाहिए। सपोज दैट अगर मैंने इस नेम के बीच में एक दूसरा कॉलम ले लिया और वहां पर मैं अगर आ, आ, उसमें गैप छोड़ करके, एक स्टेप छोड़ करके दूसरे कॉलम में मैं आ करके निकालता हूँ फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, तो वहां पर नहीं आएगा। सपोज दैट देखते हैं, इंसर्ट अ कॉलम। अब देखिए यहाँ से इस नेम को मैं दोबारा मिटाता हूँ, तो यहाँ पर फ्लैश विल का यूज नहीं होगा। एक गैप नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, ये है फ्लैश विल का एक लिमिटेशन। लेकिन अगर आप इससे अट्रैक्ट रहेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए यहाँ पर सीधे कह रहा है कि यहाँ पर लुक नहीं कर पा रहा, यानी वो डाटा को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा, यानी सीन ही नहीं कर पा रहा, तो इसे ये होगा, तो इसलिए हमें डाटा को अट्रैक्ट रखना है। चलिए कॉलम को डिलीट करते हैं। देखिए हमने फर्स्ट नेम लिख दिया, कंट्रोल ई दबाएंगे अपने आप आ जाएगा। अब लास्ट नेम एक बार हमें लिखने की जरूरत है, बाकी सारा कुछ वो अपने आप ले लेगा। कंट्रोल ई, ये देखिए फ्लैश फिल का कमाल ये है। तो हमें क्या करना, किसी भी फॉर्मेट में करो, दो वर्ड को अलग करना हो या जोड़ना हो, वो तो सारे काम होते हैं। जैसे इसमें हम क्या चाहते हैं, फुल नेम। क्या चाहते हैं? फुल नेम इस कॉलम में। अब देखिएगा कॉलम की हम रेंज को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर लिखेंगे अखिल शर्मा। क्या लिखेंगे? अखिल शर्मा साथ में। हमने एक बार लिखा, ये अपने आप सब कुछ कनेक्ट कर लेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये फ्लैश विल की खासियत है, कंट्रोल ई। देखिए तो जब भी हमारे पास लार्ज अमाउंट में जब डेटा होगा तो वहाँ फ्लैश विल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि फ्लैश विल का यूज कहाँ पर होता है, जब हमें दो वर्ड्स को अलग करना हो या किसी फॉर्मेट में करना हो, उस चीज के लिए फ्लैश विल का यूज होता है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, और ये 2013 विंडो के बाद आया है। तो 2007 जो यूज कर रहे हैं, 2010 एमएस ऑफिस जो यूज कर रहे हैं, वो उसमें ये यूज नहीं होगा। थैंक यू गाइस।